आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आया हुआ देखो तो मैट्रिक्स ए माइनस लैमरा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन मैट्रिक्स दिया होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम उस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी होगी थ्री होगी फिर भी यहाँ पर कैरेटरिस्ट मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होगा उसको समझाने के लिए मैं गिवन मैट्रिक्स टू ऑर्डर का कंसिडर कर लेता हूँ और उसके एलिमेंट्स देखो इस तरीके से लिख लेता हूँ ए मैट्रिक्स सपोज उसके एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं वन टू फोर और थ्री ठीक है ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर क्या लिखा है देखो ए माइनस लैमड़ा आई आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ दैट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए ठीक है इसका मतलब हमारा यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर टू ऑर्डर का होगा अगर ये ए मैट्रिक्स आई लिख लेते यहाँ पर आई क्या होगा फिर वन जीरो जीरो वन लैमड़ा ये अननोन होगा ठीक है अगर हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं ए माइनस लैमड़ा आई ये मैट्रिक्स का नोटेशन दिया था यानी कि मैट्रिक्स के अंदर ही लिखना चाहिए यहाँ पे मैट्रिक्स का नोटेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये ए माइनस लैमड़ा है इट्स एफ इज अ मैट्रिक नोटेशन ठीक है तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन टू फोर थ्री लिख दी लैमड़ा अन नोन है तो वह अनोन एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पर क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू वन जीरो जीरो वन इसको अगर आगे सिम्पलीफाई करेंगे तो कैसा रहेगा देखो वन माइनस लैमड़ा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये फोर ही रहेगा ये टू ही रहेगा और ये थ्री माइनस लैमड़ा हो जाएगा ठीक है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा ये जो भी मैट्रिक्स बन रहा है इसको क्या कह रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कह रहे हैं यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट देखो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैमड़ा आई को कहा जाएगा राइट सेकेंड वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है द डिटर्मिनट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स दैट इज ए माइनस लैमडा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमिल ऑफ ए ठीक है सेकेंड वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है द डिटर्मिनट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मॉड ऑफ ए माइनस लैमरा इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोम ऑफ ए इट्स सिंपली मीन्स अगर ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे डिटर्मिनेंट इस तरीके से आ जाएगा वर्टिकल बार्स के अंदर सेम वैल्यूज पुट करनी है हमें वन माइनस लैमरा ये फोर ये टू और ये रहेगा थ्री माइनस लैमरा ठीक है ये वर्टिकल बार ठीक है यहाँ पर देखो वन माइनस लैमरा इन टू थ्री माइनस लैमड़ा माइनस कितना करना पड़ेगा फोर इंटू टू दैट इज माइनस एड ठीक है इसको अगर क्या कहा जाएगा इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमल ऑफ ए कहा जाएगा ठीक है नेक्स्ट केस में द इक्वेशन मॉड ऑफ ए माइनस लैमड़ा आर इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स है यानी कि ये जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है अगर हम लोग उसको इक्वल टू जीरो कंसिडर करके जो भी लेफ्ट साइड में इक्वेशन बनेगा एक उसको क्या कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमल सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए का आ जाएगा क्या कहेंगे उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए तो कंस्डर किए हुए इक्वेशन के अंदर या फिर इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है उसको चेक कर लेते हैं वन इंटू थ्री थ्री रहेगा वन इंटू माइनस लैमड़ा यह माइनस लैमड़ा होगा माइनस लैमडा इंटू थ्री ये माइनस थ्री लैमडा होगा माइनस लैमड़ा इंटू माइनस लैमडा प्लस लैमडा स्क्वेयर होगा ठीक है ये आगे का माइनस एट इक्वल टू जीरो नेक्स्ट स्टेप में ये कैसा हो जाएगा लैमडा स्क्वायर माइनस लैमड़ा माइनस थ्री लैमड़ा माइनस फोर लैमड़ा और ये माइनस एट प्लस थ्री दैट इज माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसके फर्दर फैक्टर्स क्या होते हैं देखो मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए माइनस फाइव और एडिशन या फिर सप्रेक्शन दो नंबर्स की कितनी होनी चाहिए माइनस फोर यानी कि फैक्टर्स क्या आ जाएंगे लैमड़ा माइनस फाइव एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग लैमड़ा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो लास्ट में क्या आएगा फिर लैमड़ा इक्वल टू माइनस वन और ये कॉमा फाइव आ जाएगा ठीक है कहाँ तक पॉइंट हम लोगों ने रीड किया था ये थर्ड पॉइंट तक रीड किया था द इक्वेशन मॉड ऑफ ए माइनस टू जीरो पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिल रहा हमें ये वाला जो राइट right साइड में अभी टिक किया है ना लेफ्ट साइड में जो टिक किया है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए जो कि ए हम लोगों ने ये लिया था मैट्रिक्स वन टू फोर थ्री ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखो द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लैटिन रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और द आइगन वैल्यूज और द प्रॉपर वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स है ठीक है यानी कि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है जो भी होगा यहाँ पर टू ऑर्डर का या फिर क्वालिटी की इक्वेशन दिया आई है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका अगर जो भी वैल्यूज निकालेंगे रूट आएगा उसको उसको क्या कहा जाएगा आइगन वैल्यूज कहा जाएगा तो आइगन वैल्यूज हमारी डीए वाई क्वेश्चन में कितनी आ रही है या फिर दिए वाई मैट्रिक्स लिए कितनी आई थी यहाँ पर मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यूज हमें कितनी मिली है माइनस वन कॉमा फाइव मिली हुई ठीक है तो ये मैट्रिक्स जीवन मैट्रिक्स तीन ऑर्डर का भी हो सकता है उसके बाद इतना तो अभी हमें पता चल गया कि आइगन वैल्यूज एग्जैक्टली होता क्या है वो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं ठीक है थीके? जिसके अलग अलग नाम्स क्या हो सकते हैं प्रॉपर वैल्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज लैटेंट वैल्यूज एक्सेट्रा नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया, देखो? X, X दिया lambda, है देखो द वेक्टर एक्स कैपिटल एक्स दिया द वेक्टर कैपिटल एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर और लैटन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैमड़ा ठीक है यहाँ पर हमारे पास आइगन वैल्यूज कितनी आई थी टू तो आई थी माइनस वन और फाइव लैमड़ा इक्वल टू माइनस वन होने पर हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया बाय लेटर एक्स तो एक्स को क्या कहेंगे आइगन वेक्टर कहेंगे ठीक है और उसी तरीके से लैम्बड़ा इक्वल टू फाइव होने पर भी हमें एक दूसरा आइगन वेक्टर मिलेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है फॉर एनी नॉन जीरो मल्टीपल के ऑफ दिस वेक्टर दैट इज़ एक्स वेक्टर इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज स् लैमरा ठीक है ये वाले पॉइंट को हम लोग क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन वाले पॉइंट से इसको एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है तो अभी यहाँ पर नहीं बताता हूँ जब हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे उस केस में फिर मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बहुत ही इसको भी डबल स्टार मार्क कर देते हैं हम लोग क्या दिया ये सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ़ ए इक्वल टू सम ऑफ द डायग्नोल्स एलिमेंट्स ऑफ ए देखो हमारे गिव दी ये जो कंसिडर किया था ना मैट्रिक्स उसके अंदर सम ऑफ द डायग्नोल एलिमेंट्स कितनी है वन प्लस थ्री कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी ठीक है सम ऑफ़ द डायग्नल एलिमेंट्स कितनी हो रही है हमारे कंसिडर की हुई मैट्रिक्स के अंदर वन प्लस थ्री दैट इज़ फोर हो जाएगी और आइगन वैल्यूज क्या आई थी माइनस वन प्लस फाइव आई थी तो इन डायगनल एलिमेंट्स का सम कितना हो रहा है आइगन वैल्यूज़ के सम जितना ही हो रहा है ना माइनस वन प्लस फाइव कितना हो जाएगा फोर ही हो जाएगा वही ये पॉइंट था क्या था सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ द डायग्नल एलिमेंट्स ऑफ ए होता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों ने इसको याद रखना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ़ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा मॉड ऑफ ए रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए देखो यहाँ पर यानी कि वन इंटू थ्री ये क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया ना तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनंट कितना होगा थ्री होगा थ्री इंटू वन और ये थ्री इंटू वन थ्री और थ्री माइनस एट माइनस फाइव आ जाएगा ना तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनंट और ये थ्री यहाँ पर थोड़ा सा मिस पॉइंट हो रहा है ये वो पॉइंट सही नहीं बैठ रहा है देखो नहीं पॉइंट तो सही हो रहा है देखो क्या दिया है? मैंने थोड़ा सा गलत रीड किया था इसलिए सही नहीं बोला देखो पॉइंट सही हो रहा है ये क्या लिखा है लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए तो आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स ए के लिए यहाँ पर क्या आई थी माइनस वन और फाइव ये आइगन वैल्यूज आई थी इनका प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन इन फाइव माइनस फाइव होगा और इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कितना हो रहा है माइनस फाइव हो रहा है देखो थ्री माइनस एट कितना होगा माइनस फाइव होगा यानी कि ये सेकेंड वाला भी पॉइंट अपना सही हो रहा है दैट इज वॉट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इसके आगे क्या पॉइंट दिया देखो इफ ए एंड बी आर टू स्क्वास ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम कैरेटरिस्टिक रूट्स ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्री टाइप है ये हम लोग इसको न्यूमेरिकल जब आएगी उसके इसमें यूज कर सकते हैं दो जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमें याद रखने के लिए ये दोनों होंगे क्या रहेंगे सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ़ ए इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स देखो इसके बाद क्या दिया है फाइंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसिस ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड फाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बोध दिस सेंटेंसेज हैव द सेम मीनिंग ठीक है यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है फाइंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसिस ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा है ठीक है किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है इसी का मतलब क्या हो जाएगा दे हैव आ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए ठीक है वही मीनिंग था बोथ दिस सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग ठीक है इसके बाद क्या दिया है to find eigen values and eigen vectors when the given matrix is not symmetric and eigen values are distinct theek hai to iske baad abhi hum log numericals ke upar aa rahe hain aur numericals mein pehle point mein kya diya hai if the given matrix a is not symmetric matrix and the eigen values are distinct यानी कि eigen values repeated भी हो सकती है या फिर सारे के सारे eigen values distinct भी हो सकते हैं यानी कि अलग अलग हो सकते हैं ठीक है थेके? तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो पहला क्वेश्चन दिया है हमें वो क्वेश्चन देखो क्या दिया है question में फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ठीक है क्या कहा था अगर क्वेश्चन में पूछना है उन लोग को फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर दे कैन आस्क द सेम थिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स ठीक है तो डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे पूछा है क्या पूछा दो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पे बताया था फाइन द बेसिस फॉर आइगन स्पेसिस ऑफ द मैट्रिक्स ए इसका ही मतलब क्या होता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ये होता है ठीक तो है तो क्वेश्चन उन्होंने ये पहले वाले फॉर्म के जैसे दिया है तो कोई बात नहीं तो कितना तो क्लियर हो गया कि हमें निकालना क्या है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना मैट्रिक्स इस तरीके से तो अब इस मैट्रिक्स को आंसर करने के लिए हम इस एरो से शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रीड कर लेते हैं थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये तो उसके रो वाइज एलिमेंट्स रीड करते हैं तो पहला रो क्या दिख रहा है एट माइनस एट माइनस टू सेकेंड रो आया फोर माइनस थ्री माइनस टू थर्ड रो दिया है थ्री माइनस फोर वन तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा हम लोग लिखेंगे राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है मॉड ऑफ ए माइनस लैमडा आई इक्वल टू जीरो पुट करना होता है देखो यहां पर मॉड के अंदर ए माइनस लैमड़ा आई इक्वल टू क्या पुट करना होता है जीरो होता है तब हमें क्या मिलेगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा ठीक है इसका मतलब हमें क्या कर लिखना होगा डिटर्मिनट के अंदर डिटर्मिनंट के अंदर सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स से माइनस लैमड़ा पुट कर देना है और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज रहेगा यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा एट माइनस लैमड़ा ये फोर रहेगा ये थ्री रहेगा एज इट इज़ यहाँ पर ये माइनस एट रहेगा ये माइनस थ्री माइनस लैमड़ा हो जाएगा ये माइनस फोर रहेगा ये माइनस टू ये माइनस टू और ये हो जाएगा वन माइनस लैमड़ा इसके बाद डिटर्मिनेंट क्लोज कर देंगे और राइट साइड में इक्वल टू जीरो होगा ठीक है अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा स्टेप हो जाएगा तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है तो देखो ये थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले तो हम लैमड़ा क्यूब ही लिख देंगे ठीक है इतना क्लियर हो गया इतना करने के बाद हमें डायग्नोल एलिमेंट्स का एडिशन करके जो भी नंबर आएगा वो लिख देना है तो डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन कितना हो जाएगा एट माइनस थ्री फाइव और फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा ठीक है प्लस सिक्स आया ना आंसर आंसर क्या आया प्लस सिक्स लेकिन, लेकिन हमें ये इक्वेशन जो भी बनेगा वो लिखते वक्त अल्टरनेट साइन लेने प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लेने प्लस माइनस प्लस मैंने से शुरुआत करनी है तो उसके बाद क्या आएगा साइन माइनस आएगा और यहाँ पर एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितनी आई थी सिक्स आई थी तो डायरेक्टली तो तो सिक्स लिख देंगे और इसके बाद क्या लिखना होगा लैमड़ा के एक पावर कम करके लिखना है हमें दैट इज लैमड़ा स्क्वायर लिखना है ठीक है इतना क्लियर हो गया इतना हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है देखो गिवन मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के चार एलिमेंट लेने हैं। क्या कहा गिवन मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर यानी कि अपर कॉर्नर की बात कर रहा होगा एट माइनस एट फोर माइनस थ्री ये चार एलिमेंट ले लिए अभी नीचे के कॉर्नर राइट साइड में नीचे के कॉर्नर के एलिमेंट लूंगा मैं वो कौन क्या हो गया अब माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर वन ये हो गए और कॉर्नर के कॉर्नर मतलब देखो चारों कॉर्नर चारों कॉर्नर कौन से हो जाएंगे एट माइनस टू एट माइनस टू और ये थ्री और वन ठीक है पहले क्या लिए हम लोगों ने कौन से चार एलिमेंट ले लिए लेफ्ट साइड के ऊपर की तरफ होने चारों एट, एट, तरफ वाले चारों कॉर्नर ले लिए एट माइनस एट फोर माइनस थ्री उसके बाद राइट साइड में नीचे की तरफ आने वाले चारों कॉर्नर ले लिए माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर माइनस वन ले लिए यहाँ पर और प्लस आगे क्या लिखा सब सब कॉर्नर के इन नंबर्स ले लिए एट माइनस टू थ्री और वन ठीक है इतना क्लियर हो गया तो वो यहाँ पर लिखा है एट माइनस टू और थ्री और ये वन ये थ्री वन लिखा इनका डिटरमिनेंट जो भी आएगा उनका एडिशन करके लिखना है देखो एट इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फोर फोर इंटू माइनस एट माइनस थर्टी टू होगा लेकिन बिफोर दैट माइनस देना होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस थर्टी टू हो जाएगा राइट आगे है, प्लस है इस ब्रैकेट में माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस एट बिफोर दैट माइनस देना होगा तो ये माइनस एट हो जाएगा प्लस एट इंटू वन प्लस एट थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स बिफोर दैट माइनस देना होता है तो ये कितना हो जाएगा प्लस सिक्स ठीक है तो इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे थर्टी टू माइनस ट्वेंटी फोर करने पर कितना आ जाएगा ये एट आ जाएगा राइट माइनस थ्री माइनस एट ये कितना होगा माइनस इलेवन हो जाएगा एट माइनस इलेवन एट प्लस सिक्स फोर्टीन होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फोर्टीन लिखेंगे ठीक है तो देखो माइनस इलेवन है और ये प्लस फोर्टीन है माइनस इलेवन प्लस फोरटीन कितना हो जाएगा ओनली सिंपली प्लस थ्री हो जाएगा राइट प्लस थ्री और ये एट कितना हो जाएगा इलेवन ठीक है तो फाइनली यहाँ से आंसर कितना मिलेगा इस सबका हमें इलेवन मिलेगा और ये कैसा लिखना था प्लस माइनस प्लस तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इलेवन लिखेंगे लैमड़ा की पावर एक और कम करना मतलब इसका यहाँ पर क्या लिखना होगा लैमड़ा लिखना होगा प्लस माइनस प्लस इसका जो भी नंबर रहेगा वो हमें माइनस में लिखना होगा और वहाँ पे क्या करना है लास्ट का नंबर लिखते वक्त गिवन मैट्रिक्स जो भी था उसका हमें निकालना है डिटर्मिनट क्या कहा गिवन मैट्रिक्स जो भी था उसका सिर्फ जो भी डिटर्मिनट की वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर पुट कर दी अगर डिटर्मिनट की वैल्यू निगेटिव आती है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस इस ऑर्डर में लिखना था अगर डिटर्मेंट की वैल्यू निगेटिव आती है तो लास्ट में माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है और राइट right साइड में क्या करेंगे हम लोग इक्वल टू जीरो पुट करके यहाँ पर ये यह सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है टू गेट दिस इक्वेशन अगर आप लोग सॉल्व करके भी देखोगे तो आपको डायरेक्टली यही इक्वेशन मिलेगा अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कि प्लस सिक्स हो जाएगी तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस होता है माइनस साइन होता है और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई प्लस सिक्स आ गई तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो ठीक है ये क्वालिटी की इक्वेशन मिल गया सॉरी ये क्यूबिक इक्वेशन मिल गया थर्ड पावर थर्ड पावर वाला ठीक है थर्ड डिग्री वाला एक हमें इक्वेशन मिल गया पॉलिम मिल गया इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो अननोन को यहाँ पर लैमड़ा है ना लैमड़ा की पावर में तीन है इसका मतलब इसके तीन रूट आएंगे और लैमड़ा इक्वल टू कैल से सॉल्व करने पर हमें लैमड़ा के रूट्स क्या आएंगे देखो वन टू और थ्री आ जाएगी वन लिखा टू लिखा थ्री लिखा दीज आर द आइगन वैल्यूज साइड में लिख देंगे ये आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास वन टू और थ्री साइड में क्या लिखना है फिर आइगन वैल्यूज आइगन का मतलब ही होता है प्रॉपर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ठीक है अगर आप लोग इसको ढूंढोगे सर्च करोगे नेट पर तो आइगन का मतलब क्या आ जाएगा मीनिंग क्या आ जाएगा प्रॉपर या फिर कैरेक्टरिस्टिक बस इतना मीनिंग आ जाएगा आइगन का तो लैमरा की हमें वैल्यूज़ क्या मिली वन टू थ्री ये आइगन वैल्यूज मिली सारी की सारी वैल्यूज कैसे डिस्टिंक्ट है यानी कि अलग अलग है इसके बाद हमें क्या करना होगा एट लैमरा की वैल्यू अगर हम लोग पर्टिकुलरली वन ही लेते हैं तो वहाँ पर हमें एक वेक्टर मिलेगा ठीक है उस वेक्टर की वेक्टर को अभी हमें फाइंड आउट करना है और उसी वेक्टर को आइगन वेक्टर कहा जाएगा ठीक है थेके? तो ये क्या लिखा एट लैमड़ा इज इक्वल टू वन कर दिया इन या फिर पुट कर देते हैं यहाँ पर है ना एट की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ पुट ये वर्ड लिख देता हूँ पुट लैमड़ा इधर वन कर देते हैं ठीक है पुट लैमड़ा वन इज इक्वल टू वन इन ये जो मैट्रिक्स है ना कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जिसमें हम लोग लैमड़ा वन की वैल्यू कितनी लेंगे अभी वन लेंगे ठीक है ये बाजू में आ जाएगा x इज इक्वल टू जीरो वी गेट ठीक है वो गेट ये x ये ना x हमें निकालना है x को क्या कहा जा रहा है आइगन वेक्टर कहा जा रहा है ठीक है x को हमें निकालना है वेन लैमडा वन इज इक्वल टू वन एक हमें x मिलेगा x यानी कि एक आइगन वेक्टर मिलेगा ठीक है तो क्या लिखा पोर्ट लैमडा वन इक्वल टू वन इन मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर a माइनस लैमडा आई इंटू एक्स किया टू जीरो वो गेट ठीक है तो ये a माइनस लैमड़ा आई ये यानी कि अपना पहला वाला कैटरिस्टिक इक्वेशन था जिसमें हम लोगों ने यही वाला था जिसमें हम हम लोगों को अभी लैमड़ा की जगह पे क्या यूज़ करना है वन यूज़ करना है ठीक है तो ये एट माइनस वन कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा तो यहाँ पे सेवन लिख दिया नीचे का टम एज इट इज़ और ये उसके नीचे का डम एज इट इज उसके बाद ये माइनस एट ही रहेगा ये माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर हो जाएगा नीचे का माइनस फोर है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस टू एज इट इज ये माइनस टू एज इट इज़ ये वन माइनस वन कितना हो जाएगा सिंपली जीरो हो जाएगा ठीक है लेकिन इसको मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखना है इसको मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखना है साइड में हमें ये एक्स दिख रहा है ना एक्स का मतलब हमें यूज करना है एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री और इक्वल टू क्या यूज़ करना है ये नल मैट्रिक्स कहते हैं उसको यानी कि सिंपल पर एक ही बार जीरो है ना तो ये नल मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा ज़ीरो जीरो ज़ीरो रहेगा ठीक है इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग हमें इक्वेशंस बनाने होंगे यानी कि देखो सेवन इंटू एक्स वन माइनस एट एक्स टू और माइनस टू एक्स थ्री तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएंगे सेवन एक्स वन माइनस एट एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो नेक्स्ट इक्वेशन होगा अपना फोर एक्स वन माइनस फोर एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और इसके बाद वाला इक्वेशन क्या हो सकता है थ्री एक्स वन माइनस फोर एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री लेकिन उसको नहीं लिखा अगर उसको लिखा भी होता तो भी चलता था लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे ठीक है थेके? उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल तो यहाँ पे क्या लिखा बाय यूजिंग ग्रैमर्स रूल ठीक है क्रैमर्स रूल आप लोगों ने सीखा है क्लास टेंथ में लेकिन एग्जैक्टली exactly वो वाला क्रैमर रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है क्रैमर्स रूल का और भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ठीक है यूजिंग क्या लिखा क्रैमर्स रूल तो क्रैमर्स रूल का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर क्या रहेगा देखो ये एक्स एक्स टू और एक्स थ्री हमें निकालना है ना एक्स यानी कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हमें निकालना है तो ये पहले लिखा मैंने एक्स वन अपॉन में क्या किया अभी जो अब पहले न्यूमरेटर में क्या लिखा हमने एक्स वन लिखा तो एक्स वन के कोऑप्शन भूल जाएंगे क्या कहा एक्स वन के कोऑप्शन भूल जाएंगे हमें कोऑप्शन किसके लिखने से एक्स टू और एक्स थ्री के लिखने तो पहले एक्स टू का कोप्शन क्या आएगा माइनस एट साइड में ये माइनस टू रहेगा यहाँ पर होगा माइनस फोर और यहाँ पर रहेगा माइनस टू ठीक है इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू एक्स टू लिखेंगे लेकिन जब एक्स टू लिखेंगे उसके पहले माइनस देना पड़ेगा इतना याद रखना माइनस एक्स टू पुट किया यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या कहेगा नीचे एक्स टू के एलिमेंट्स नहीं लिखने अभी एक्स टू के एलिमेंट्स यानी कि एक्स टू के कोप्शन नहीं लिखने हमें अभी सिर्फ एक्स वन और एक्स थ्री के कोप्शन लिखने तो पहले वाले इक्वेशन के अंदर आए हुए एक्स वन और एक्स थ्री के कोप्शन क्या है सेवन माइनस टू अभी दूसरे इक्वेशन के अंदर आए हुए एक्स वन और एक्स थ्री के कोप्शन क्या है फोर और ये माइनस टू ठीक है क्वल टू एक्स थ्री ये एक्स थ्री आने पर ये नीचे डिटर्मेंट का सिंबल बनाना है उसके बाद एक्स वन और एक्स टू के कोऑप्शन लिखने पहले इक्वेशन में आए हुए एक्स वन का कोऑप्शन कितना है सेवन और एक्स टू का कोऑप्शन था माइनस एट विद सेकेंड इक्वेशन में आया हुआ एक्स वन का कोऑप्शन है फोर और ये एक्स टू का कोऑप्शन है माइनस फोर ठीक है इसको करेंगे इक्वल टू टी करेंगे ग्रामर्स रूल लिखते वक्त ये हमेशा ऐसा ही करना होगा और क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए भी एक कंडीशन होगी क्रैमर्स रूल कब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जब जो दो इक्वेशंस ले रहे हैं ना हम लोग उस वो दोनों इक्वेशंस कैसे होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए ठीक है यानी कि वो सेम इक्वेशंस नहीं होने चाहिए अगर सेम इक्वेशन हो गए तो उसके इस पर हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक है इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट स्टेप में हमें ये डिटर्मिनेंट वाला पार्ट नीचे का सिंप्लीफाई करना होगा तो देखो ये ऊपर का एक्सपेन तो हम लोग एद्रिज लिखेंगे ये ऊपर का एक्सपेन एद्रिज लिखा अपॉन में माइनस एट इंटू माइनस टू प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन माइनस माइनस फोर इंटू माइनस टू माइनस एट हो जाएगा ठीक है प्लस एट हो जाएगा लेकिन बिफोर दैट माइनस रहेगा तो ये माइनस एट लिखेंगे ठीक है इक्वल टू ऊपर रहेगा माइनस एक्स टू नीचे क्या आ जाएगा सेवन इंटू माइनस टू माइनस फोर्टीन और ये प्लस कर देंगे फोर इंटू माइनस टू माइनस एट लेकिन बिफोर दैट माइनस होता है तो प्लस एट हो जाएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये रहेगा एक्स थ्री में क्या आ जाएगा सेवन इंटू माइनस फोर माइनस ट्वेंटी एट और ये प्लस कितना थर्टी टू ठीक है इक्वल टू कितना हो जाएगा राइट साइड में टी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर अभी सिक्सटीन माइनस एट कितना हो जाएगा अपॉन में एट लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस एक्स टू रहे ऊपर और नीचे कितना माइनस फोर्टीन प्लस एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री लिखा ये माइनस ट्वेंटी एट था ये प्लस थर्टी टू है कितना बचेगा देखो यहाँ से फोर बचेगा ठीक है ये फोर लिख दिया इक्वल टू टी नेक्स्ट स्टेप में देखो ये एक्स वन एट माइनस सिक्स और ये प्लस फोर इसमें से कोई नंबर कॉमन है क्या जो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं टू इज़ द कॉमन यहाँ पे क्या होगा फोर होगा ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस तो नीचे, नीचे कितना लिख सकते हैं हम लोग सिंपली थ्री लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स थ्री अपॉन यहाँ पर टू बचेगा ये एक्स टू होना चाहिए था ठीक है एक्स टू इक्वल टू कितना होगा टी होगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो देर फोर ये एक्स वन एक्स वन क्या हो जाएगा फोर टी एक्स टू क्या मिलेगा हमें थ्री टी और x3 कितना मिलेगा 2t मिलेगा ठीक है तो इतना लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते देफोर कैपिटल x लिख दिया कैपिटल x इज इक्वल टू कर दिया x1 x2 x3 वैल्यूज थी ना उसके अंदर तो पहले x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग फोर उसके बाद वैल्यूज क्या लिखेंगे थ्री और उसके बाद वैल्यू होगी टू इसमें से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं टी को बाहर ले सकते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर फोर थ्री टू तो हमारा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में फोर थ्री टू ये हो जाएगा राइट right? जिससे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं देखो हियर वेक्टर फोर थ्री टू ठीक है ये वर्टिकल कॉलम होना चाहिए थोड़ा सा टील्ड हो गया ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन ये एग्जैक्टली exactly वर्टिकल होना चाहिए हियर वेक्टर फोर थ्री टू इज अ बेसिस फॉर इज़ अ बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस इज हियर फैक्टर फोर थ्री टू इज द बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस लिखेंगे आइगन स्पेसिस करस्पॉन्डिंग टू करस्पोंडिंग टू लैमड़ा इक्वल टू कितना वन लैमरा इक्वल टू वन होने पर हमें आइगन वैक्टर कितना मिला फोर थ्री टू मिला ठीक है इसी का मतलब क्या हो रहा है वी गेट आइगन वेक्टर फोर्थ टू वेन लैमड़ा इक्वल टू या फिर वेन आइगन वैल्यू इक्वल टू वन ठीक है इतना क्लियर हो गया इसके बाद हमारा दूसरा भी हमारे पास दूसरा भी तो एक आइगन वैल्यू आया हुआ था दैट इज टू तो हम लोग क्या करेंगे सेम प्रोसीजर हमें लैमड़ा टू की वैल्यू टू कंसिडर करके हमें एक और एक आइगन वैक्टर निकालना है ठीक है तो उसी पॉइंट का आगे लिखना होगा नाउ पुट लैमड़ा टू इज इक्वल टू कितना आया था दूसरा आइगन वैल्यूज टू आया था ना इन नाउ पुट लैमडा टू तो इक्वल टू इन ये स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस लैमडा टू यहाँ पर आई लिखा ये क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक्स रहेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है वही गेट लैमडा की वैल्यू अभी कितनी कंसिडर करनी है हमें टू कंसिडर करनी है दिए हुए मेन क्वेश्चन के अंदर ही तो देखो मेन क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी लैमड़ा होगा वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे लैमड़ा की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे टू कंसिडर करेंगे तो ये एट माइनस टू कितना हो जाएगा सिक्स तो मैट्रिक्स एंड नोटेशन में लिखना है जिससे हमें यहाँ पर सिक्स लिख दिया उसके नीचे के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे तो ये फोर और थ्री इज लिखने होंगे फोर और ये थ्री एडिज लिख रहा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो रहे माइनस थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा यहाँ पर माइनस फाइव रहेगा उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट सेम रहेंगे ऊपर का एलिमेंट है माइनस एट नीचे का एलिमेंट है माइनस फोर तो ये ऊपर का माइनस एट एज इट इज नीचे का माइनस फोर भी एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस टू ये भी माइनस टू रहेगा वन माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस वन तो यहाँ पर लिखना होगा माइनस टू माइनस टू माइनस वन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्या आएगा एक्स आएगा एक्स को हमें कैसे लिखना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू यहाँ पर नल मैट्रिक्स जीरो ज़ीरो ज़ीरो और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है इसके बाद हमें इक्वेशंस बनाने कोई भी दो इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं लेकिन वो दोनों इक्वेशंस कैसे होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए तो कोई भी हम लोग दो इक्वेशंस कंसिडर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर पहले दो इक्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ सिक्स एक्स वन माइनस एट एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो होगा एंड फोर एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो ले लिया ठीक है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे कंडीशन क्या है क्रैमर्स रूल्स अप्लाई करने के लिए लिए हुए दोनों भी इक्वेश्स के कोऑप्शन कैसे होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए वो एक जैसे नहीं होने चाहिए तब भी हम लोग क्रैमस रूल अप्लाई कर सकते हैं अगर लिए हुए इक्वेशंस के कोऑप्शन अगर एग्जैक्टली exactly सेम है तो क्रैमस रूल अप्लाई नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है अभी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ग्रामर्स रूल तो बाय यूजिंग ग्रामर्स रूल करने के बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा ऊपर लिखना होगा एक्स वन एक्स वन लिखने के बाद एक्स टू और एक्स थ्री के कॉप्शन लिखने हमें तो सबसे पहले एक्स टू के कोऑपेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आए हुए वो है माइनस एट और एक्स थ्री का ऑप्शन है माइनस टू ठीक है नीचे क्या होगा सेकेंड इक्वेशन में आए हुए एक्स टू और एक्स थ्री के कोऑप्शन दैट इज माइनस फाइव माइनस टू ठीक है डिटर्मिनेट के अंदर ही लिखना है ऊपर रहेगा माइनस एक्स टू आएगा इतना याद रखना यहाँ पर मिडल वाले पार्ट में माइनस साइन हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं नीचे नहीं देते सिर्फ ऊपर ही देते हैं तो अभी एक्स टू लिखेंगे लिखने के बाद हमें एक्स वन एक्स थ्री के कोप्शन लिखने पहले और सेकेंड इक्वेशन में आए हुए रिस्पेक्टिवली ठीक है तो ये माइ सिक्स माइनस टू ये फोर और ये माइनस टू इक्वल टू अभी होगा एक्स थ्री एक्स थ्री लिखने के बाद हमें पहले और दूसरे इक्वेशन के अंदर आए हुए एक्स वन और एक्स टू के कोप्शन लिखने हैं तो पहले इक्वेशन के ये सिक्स है यहाँ पर ये माइनस एट है दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर ये फोर है और ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा इक्वल टू हमेशा टी ही पुट कर देना है टी की जगह पे आप लोग तो कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ कर सकते हो लेकिन जो यूज़ किया वही हमें थ्रू आउट यूज़ करना होगा ठीक है नेक्स्ट केस में एक्स वन अपॉन्ट में माइनस एट इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा प्लस सिक्सटीन माइनस फाइव इंटू माइनस टेन प्लस टेन बिफोर दैट माइनस होता तो ये माइनस टेन बन गया इज इक्वल टू ये माइनस एक्स टू था ऊपर डिनोमीटर में क्या आएगा देखो सिक्स इंटू माइनस टू माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ये माइनस ट्वेल्व लिखा फोर इंटू माइनस टू माइनस एट बिफोर दैट माइनस होता है तो ये प्लस एट बनेगा इक्वल टू एक्स थ्री अपॉन में राउंड ब्रैकेट देते हैं सिक्स इंटू माइनस फाइव माइनस थर्टी बनेगा ये फोर इंटू माइनस एट माइनस थर्टी टू बिफोर दैट माइनस होता है तो ये बन जाएगा प्लस थर्टी टू ठीक है राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टी लिख दिया ये अभी अभी हम लोग शुरुआत में ऐसा कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन्ट में वैल्यू ठीक है यहाँ पर क्या बचेगा एक्स वन अपॉइंट सिक्स आ जाएगा यहाँ पर ऊपर रहेगा माइनस एक्स टू नीचे कितना रहेगा माइनस फोर आगे इक्वल टू तो ये एक्स थ्री के अपॉन में क्या आएगा सिंपली टू आ जाएगा इक्वल टू थी ठीक है देखो सिक्स माइनस फोर और टू में कौन सा नंबर कैंसिल हो सकता है टू ये नंबर कैंसिल हो सकता है ठीक है तो ये एक्स वन के अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग थ्री ऊपर का माइनस साइन नीचे का माइनस आइन कैंसिल तो एक्स टू अपॉन टू हो जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा एक्स थ्री अपॉन वन रहेगा इक्वल टू टी इसका मतलब हमें एक्स वन की वैल्यू कितनी मिली एक्स वन की वैल्यू मिली थ्री टी एक्स टू की वैल्यू मिलेगी टू टी एक्स टू इज इक्वल टू टू टी लिखा और कॉमा एक्स थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन टी नहीं लिखना है सिंपली क्या लिखेंगे टी लिखेंगे तो हमें यहाँ पर आइगन वेक्टर क्या मिला एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के एलिमेंट से बना हुआ आइगन वेक्टर क्या मिला थ्री टी टू टी और टी मिला राइट right? तो आगे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं कि हमें हियर वेक्टर एक्स इज इक्वल टू थ्री टू वन हियर वेक्टर थ्री टू वन इज अ बेसिस फॉर इज अ बेसिस फॉर बेसिस फॉर द आइगन स्पेस करस्पोंडिंग टू बेसिस फॉर द आइगन स्पेस आइगन स्पेस स्पेसेस भी बोल सकते करस्पॉन्डिंग करसपॉन्डिंग टू लैमड़ा इज इक्वल टू टू ठीक है यानी कि सेकेंड आइगन वैल्यूज जो भी था उसके लिए हमें आइगन वेक्टर क्या मिला थ्री टू वन मिला सिमिलरली हमें थर्ड आइगन वैल्यूज दैट इज थ्री इसके लिए जो आइगन वेक्टर होगा उसे फाइंड आउट करना होगा तो क्या लिखेंगे देखो पुट लैम्बड़ा थ्री इज इक्वल टू थ्री इन मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर ए माइनस लैमड़ा थ्री लिखेंगे यहाँ पर आई क्लोजिंग स्कोर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसके बाद कॉमा देकर हमें लिखना होगा वो गेट जो पहला मैट्रिक्स लिखा था हम लोगों ने शुरुआत में कैटरिस्टिक इक्वेशन वाला वहाँ पर लैमड़ा की जगह जगह पर अभी क्या लेंगे हम लोग थ्री लेंगे तो देखो पहला मैट्रिक्स ये था जहाँ पर हमें लैमड़ा की जगह पर क्या यूज़ करना है थ्री यूज करना है तो एट माइनस थ्री कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा राइट तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट पे हम लोग लिखेंगे फाइव नीचे के एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे तो वो फोर और थ्री ही लिखने होंगे तो नीचे फोर होगा यहाँ पर थ्री होगा ये वाला एलिमेंट एज इट इज रहेगा दैट इज माइनस एट नीचे लैमड़ा की वैल्यू कितनी है थ्री है तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स तो ये माइनस एट ये माइनस सिक्स ये माइनस फोर एज इट इज़ ये माइनस फोर लिखा यहाँ पर माइनस टू था यहाँ पर माइनस टू था वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री करने पर कितना बचेगा माइनस टू बचेगा तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस टू ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आएगा वेक्टर दैट इज़ एक्स वन एक्स टू और ये एक्स थ्री क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू यहाँ पर सामने लिखना हमें नल मैट्रिक्स ठीक है matrix, इतना क्लियर हो गया इसके बाद हमें फिर से इक्वेशंस बनाने होंगे कोई भी हम लोग दो इक्वेशंस कंसिडर कर सकते हैं मिडल वाला लास्ट वाला या फिर फर्स्ट वाला सेकेंड वाला या फिर फर्स्ट एंड थर्ड वाला ठीक है तो मैं यहाँ पर पहले दो इक्वेशंस कंसिडर कर लेता हूँ पहले दो इक्वेशन वो क्या होंगे फाइव एक्स वन माइनस एट एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा इक्वेशन है फाइव एक्स वन माइनस सिक्स एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग बाई यूजिंग क्रैमर्स रूल यूज़ करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल उसमें क्या होगा सबसे पहले हमें ऊपर एक्स वन लिखना है एक्स वन लिखने के बाद पहले इक्वेशन में आए हुए एक्स टू और एक्स थ्री के, के कोविशन लिखेंगे और नीचे यानी कि डिटर्मिनेंट के नीचे वाले रो में हमें सेकेंड इक्वेशन में आए हुए एक्स टू और एक्स थ्री के कोपेशन लिखने हैं साइन के साथ ठीक है यहाँ पर रहेगा माइनस एट तो यहाँ पे होगा माइनस टू और यहाँ पे होगा माइनस सिक्स और यहाँ पे होगा माइनस टू इक्वल टू एक्स टू लिखते वक्त एक्स टू के पहले हमें माइनस साइन देना होगा और नीचे सेम करना है यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए एक्स वन एक्स थ्री के कोपेशन लिखने फर्स्ट रो में तो वो क्या हो होगा फाइव और माइनस टू और सेकेंड रो में यहाँ पर x1 और x3 थ्री के कॉप्शन लिखने सेकेंड इक्वेशन के वो क्या हो गए फोर और माइनस टू यहाँ पर ऊपर x3 लिखने के बाद फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 और x2 के कॉप्शन देख वो क्या हो जाएंगे फाइव और ये माइनस एट और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कॉप्शन दैट इज फोर और माइनस सिक्स इक्वल टू हमें पुट करना है t नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा लेफ्ट साइड का ये एक्स वन ऊपर रखा माइनस एट इंटू माइनस टू कितना प्लस सिक्सटीन सिक्स इंटू टू प्लस ट्वेल्व होगा दोनों दो माइनस है तो बिफोर दैट माइनस साइन होता है तो ये माइनस ट्वेल्व बनेगा इक्वल टू ऊपर रहेगा माइनस एक्स टू अपॉन में क्या आएगा फोर इंटू माइनस टू माइनस टेन और ये प्लस एट लिखेंगे ठीक है इक्वल टू एक्स थ्री अपॉन फाइव इंटू माइनस सिक्स माइनस थर्टी और फोर इंटू माइनस एट माइनस थर्टी टू लेकिन बिफोर दैट माइनस होता है तो ये, ये हो जाएगा प्लस थर्टी टू ठीक है इक्वल टू कितना है ये टी है नेक्स्ट स्टेप में देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है एक्स वन ऊपर का एज एडीज सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व फोर रहेगा माइनस एक्स टू ऊपर का लिखा माइनस टेन प्लस एट कितना बचेगा माइनस टू लिखा इक्वल टू ये एक्स थ्री एट इज ऊपर का नीचे आएगा टू आ जाएगा ठीक है इक्वल टू टी नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्स वन यहाँ से फोर है यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस है तो ये माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा और हर एक डिनोमेटर में टू टू और ये फोर टर्म दिख रहा है राइट जिसमें से टू को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर एक्स वन अपन क्या लिख सकते हैं सिंपली टू लिख सकते हैं ऊपर का माइनस नीचे के माइनस साइन के, के साथ कैंसिल तो ये क्या बचेगा एक्स टू अपॉन वन और यहाँ पर एक्स थ्री अपॉन वन क्या किया टू टू और फोर में से टू को कॉमन होने के कारण कैंसिल कर दिया इज इक्वल टू कितना होगा टी होगा देर फोर हमें एक्स वन की वैल्यू कितनी मिलेगी टू टाइम्स ऑफ टी कॉमा एक्स टू की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी टी और एक्स तरह की वैल्यू क्या मिलेगी सिंपली टी मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं हियर वेक्टर पहले तो ऐसा लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग टू टी 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 कॉमन भाग ले लिया तो अंदर क्या बचेगा टू वन वन बचेगा राइट तो so, इसके बाद लिखना होगा हमें हियर वेक्टर कौन सा वेक्टर टू वन वन राइट इज अ बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस करेस्पोंडिंग टू लैमड़ा इक्वल टू थ्री इज अ बेसिस बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस आइगन स्पेस बेसिस फॉर आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू करेस्पोंडिंग टू लामा इक्वल टू थ्री ठीक है लास्ट में जो भी सेंटेंस लिखा है उसी को हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते थे दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू इक्वल टू थ्री ठीक है इतना सिंपल भी लिख सकते थे हम लोग लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये आइगन स्पेस ये वर्ड यूज हुआ था तो उसके कारण हम लोगों ने लास्ट में आया हुआ वेक्टर भी उसी तरीके से वही वर्ड यूज कर हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया जो सेकेंड आइगन वैल्यूज के ऊपर हम लोगों ने वैक्टर निकाला था उसमें से एक थोड़ा सा पार्ट रह गया अपना लिखने में रह गया बाकी सब कुछ सही है देखो सेकेंड वैक्टर क्या निकाला था हम लोगों ने थ्री टी टू टी और टी ये निकाला था ना जिसको हम लोगों ने डायरेक्टली आगे ऐसा लिखा था इससे पहले इससे पहले क्या स्टेप होनी चाहिए थी देखो वो स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स वन कितना मिला था थ्री टी एक्स टू मिला था टू टी और एक्स थ्री मिला था टी तो हम लोगों ने डायरेक्टली ये थ्री टू और ये वन लिख दिया बिफोर दैट एक स्टेप क्या होना चाहिए था देखो यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखा इक्वल टू क्या कर दिया थ्री टी टू टी और ये सिंगल टी क्लोजिंग ब्रैकेट इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ये टी आएगा कॉमन बाहर ये टी कॉमन बाहर आएगा तब जाके अंदर क्या बचेगा अभी थ्री टू वन बचेगा और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है ठीक है इतना कंसिडर कर लो ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है अब जाके देखो टी कॉमन बाहर लेने के बाद थ्री टू वन ये मिलेगा ना वेक्टर तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आइगन वेक्टर कहेंगे करस्पॉन्डिंग टू लैमड़ा इक्वल टू टू इतना समझ में आ गया तो ये वाले पॉइंट को डायरेक्ट वेक्टर लिखने के पहले हमें ये वाला पॉइंट दिखाना चाहिए था ये नहीं भी दिखाया अगर आप लोग एक्चुअल एग्जाम लिखते वक्त पेपर लिखते वक्त ऐसा मिस्टेक हो जाता है या फिर रह जाता है ये वाला पार्ट तो अभी कोई बात नहीं मार्क्स को आपको कंप्लीट मिलेंगे ले लेकिन ये होना चाहिए था ठीक है तो देखो शुरुआत में एक पॉइंट हम लोगों ने स्किप किया था और उसको वो मैंने बताया था कि मैं एग्जाम्पल्स आने पर उस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो वो पॉइंट इस तरीके से था अपना ये वाला पॉइंट का किया था वो फॉर एनी नॉन ज़ीरो मल्टीपल के ऑफ दिस वैक्टर दैट इज़ एक्स वैक्टर इज़ द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैमडा इसका मतलब सिंपली ये हो रहा है देखो भले ये रीड करने के पर आप लोगों को इसका लिंक नहीं लग रहा है वर्ड साउंड में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली exactly ये कहना कहता है तो उसका मतलब सिंपली ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को हमें ये वैक्टर थ्री टू वन ये वैक्टर किस लैमड़ा के लिए मिला है या फिर किस आइगन वैल्यूज के लिए मिला है टू तो इस आइगन वैल्यूज के लिए मिला है ना तो ये ज़रूरी नहीं कि ये थ्री टू वन ही आएगा ये टी के ऊपर डिपेंड है यानी कि टी कुछ भी हो सकता है यानी कि इंथ्रीडी आ सकता है यानी कि ये अगर टी टू है तो ये वेक्टर आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा सिक्स फोर वन हो जाएगा अगर ये माइनस टू है ये माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस वन हो जाएगा ठीक है यानी कि हमें लैमरा इक्वल टू इस आइगन वैल्यूज के ऊपर ये आइगन वेक्टर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस मल्टीपल ऑफ टी उन्होंने वहाँ पर वो उस वाले पॉइंट पे वो, वो के वर्ड यूज़ किया है लेकिन हम लोगों को यहाँ पर सम सॉल्व करते सब लोगों ने वो मल्टीपल वर्ड क्या यूज़ किया है टी यूज़ किया है ठीक है इतना ही वो पॉइंट है तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वैक्टर्स टॉपिक का बेसिक देखा शुरुआत में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे और एक न्यूमेकस किया जिसमें हमें गिवन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर्स निकालने थे और गिवन मैट्रिक्स का टाइप कैसा था नॉट सीमेट्रिक मैट्रिक्स था और उसके इक्वेशंस के रूट्स भी कैसे थे डिस्टिंक्ट रूट हैं ठीक है तो आगे वाले केसेस में हम लोग ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसकी आइगन वैल्यूज रिपीट हो सकती है अगर आइगन वैल्यूज रिपीट होती है तो आइगन वेक्टर्स में फाइंड आउट करते हुए क्या चेंजेस करने होते हैं ये वाला पॉइंट लर्न करना होगा ठीक है तो अभी के लिए इस लेक्चर के साथ हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे अगर आज लिए हुए कंसर्प्ट में या फिर प्रॉब्लम में या सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर कीप लर्निंग